आपके माइंड में बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि जो सजेशन आप चाहते हो वो उसका पर्पस क्या है, उसका मतलब क्या है, और उस सजेशन को आपको अपने लिए फॉर्मेट करना है। जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पॉजिटिव एंगल में लेकर, जिनको नींद नहीं आती समझ लीजिए, नींद की बात मैं यहां इसलिए कर रहा हूं कि बड़े लोग हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सबको नींद की प्रॉब्लम है। आजकल तो स्टूडेंट्स भी ये कंप्लेन करते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, 2 बजे तक मैं जागता हूं, 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आती है, कंप्लेन करते अपने पेरेंट्स को। तो जिनको नींद ना आने की बीमारी है, तकलीफ है, उन लोगों को ये एक छोटा सा सेशन लेना है कि जब भी मैं पिलो पे अपना सर रखता हूं मुझे अच्छी नींद आ जाती है। सिर्फ यही बातें अगर वो हमेशा सोचते रहते जब भी फ्री है आप, तो जैसे ही आप जब कभी भी पिलो पे अपना सर रखोगे आपको डेफिनेट अच्छी नींद आएगी। मगर जब ये सजेशन, ऑटो सजेशन जिसे हम कहते हैं, स्वयं सूचना कहते हैं, ये जब आप लेते हैं उस समय आपका माइंड शांत होना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम अलग अलग तरह के विचारों में डूबे रहते हैं, सोच में डूबे रहते हैं। लॉट ऑफ थॉट्स आर ऑलवेज देयर इन आवर माइंड। आप सब यहां बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सब मेरी ओर देख रहे हैं, क्या आप सबका ध्यान 100% मेरी तरफ है? नहीं, मैं आपको देख रहा हूं, क्या मेरा ध्यान 100% है? नहीं, क्योंकि हम सबके दिमाग की एक आदत है, वो एक साथ एक नहीं ढेर सारे काम करती है। आप घर के बारे में सोच सकते हैं, ऑफिस के बारे में सोच सकते हैं, अपने स्टाफ के बारे में सोच सकते हैं, कुछ और दूसरे कामों के बारे में सोच सकते हैं, तो वैसे ढेर सारे विचार हमारे मन में लगातार आते रहते हैं। तो ऐसे विचारों की क्वांटिटी को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें गहरी सांसें लेनी चाहिए। हम जानते हैं कि हर जगह जो भी व्हीकल है या जो भी चलते हैं उसको ब्रेक है, उसको रोक सकते हैं, कोई भी चलती हुई चीज को आप रोक सकते हो किसी न किसी तरह से। एक व्हीकल है, कोई भी कार है, बस है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, व्हाटएवर इट इज, उसे आप फुल स्पीड में लेके जा रहे हैं, मगर जैसे आप सिग्नल देखते हैं, सिग्नल इज रेड, तो आप क्या करेंगे? उसे ब्रेक मारेंगे, पहले से ही ब्रेक मारेंगे स्लोली, और वहां जगह पर जाकर आप बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। तो हमारे माइंड में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स एवरी मिनट कंटिन्यूस रोटेट होते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो उस थॉट्स को रोकना है, उसे कंट्रोल करना है, उसकी स्पीड कम करनी है, तो उसकी ब्रेक क्या है? तो उसकी ब्रेक है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? ऑफकोर्स विद द ब्रीदिंग, सो वी हैव टू ब्रीथ। तो जब कभी भी आपको कोई भी ऑटो सजेशन लेना होता है, तब आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? कुछ गहरी सांसें लेनी चाहिए, कम से कम 8 से 10, एंड ऑफकोर्स विद द स्टमक, यू हैव टू ब्रीथ विद द स्टमक, नॉट फ्रॉम द चेस्ट। नॉर्मली हम सब क्या करते हैं कि हम जब भी ब्रीथ करते हैं तब हम चेस्ट करते हैं। अगर आप कभी भी देखना चाहते हैं तो ये अपना एक हाथ चेस्ट पे रखिए, एक स्टमक पे रखिए और सांस लेके देखिए, तो जब आप सांस लेंगे तो आपका छाती का हिस्सा ऊपर आएगा, स्टमक ऐसे एज इट इज रहेगा। आपने ये भी देखा है आज तक कई बार, सैकड़ों बार, हजारों बार आप देख चुके हैं कि आपके घर में जब छोटे बच्चे या कहीं भी आप जाते हैं, छोटे बच्चे जो कहीं भी लेटे रहते हैं, तो उनका पेट धमनी की तरह ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि वो पेट से सांस लेते हैं। मगर हम बड़े होने के बाद जब बाहर के एटमोस्फेयर में जाते हैं तब हम हाफ ब्रेथ लेते हैं, इसलिए चेस्ट से लेते हैं। तो यहां पर हमें जब ये ऑटो सजेशंस लेने हैं तब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें पेट से सांस लेनी चाहिए, गहरी सांस। दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड, यू हैव टू टेक डीप ब्रेथ एज डीप एज पॉसिबल, और उसके बाद आपको जो भी अपने आप में पॉजिटिव चेंज लाने हैं, उस चेंज के लिए आपने पहले से जो भी सेंटेंस तैयार करके रखे हैं, पॉजिटिव सजेशन जिसे हम कहते हैं, स्वयं सूचना जिसे हम कहते हैं, उसे आप मन ही मन रिपीटेडली लेनी चाहिए। सेल्फ हिप्नोसिस सीखने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप
ग्रेजुएट हो, डबल ग्रेजुएट हो, नॉन मैट्रिकुलेट इंसान या जो फिफ्थ स्टैंडर्ड तक भी नहीं गया है, वो भी सेल्फ हिप्नोसिस सीख के इसके फायदे ले सकता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसमें सेल्फ हिप्नोसिस को सीखने के लिए जरूरी है जिस लैंग्वेज में आप इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो उस लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। वो लैंग्वेज आप अच्छे से समझ सकते हैं तो सेल्फ हिप्नोसिस सीखना आपके लिए इजी है। तो सेल्फ हिप्नोसिस सीखने के बाद अपने आप अपनी स्मरण शक्ति, इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, मन शक्ति, ध्यान शक्ति, कार्य शक्ति जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। अब कौन कितनी बढ़ाएगा वो हरेक के अपने ऊपर है, क्योंकि हम सबके रिक्वायरमेंट, जरूरत अलग अलग है। तो हर कोई इंसान अपनी जरूरत के मुताबिक अपने में जो पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस सीखने से और क्या हो सकता है? रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपके फाइव सेंसेस पर आपका पूरा कंट्रोल आ सकता है। रेगुलर प्रैक्टिस से इतना अच्छा परफेक्शन आ जाता है कि जब कभी आपको अपने आप को जिस तरह के पॉजिटिव चेंज की जरूरत पड़ती है और जैसे ही आप ऑटो सजेशन लेते हो तो वेरी नेक्स्ट मोमेंट आपको उसका 100% बेनिफिट मिल सकता है, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो, नॉट अदरवाइज। क्योंकि प्रैक्टिस हर जगह इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं कि किसी कोई भी ड्राइविंग सीखना चाहता है तो ठीक है, कोई भी ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, 15 दिन का उनका कोर्स है, 15 दिन का कोर्स उनका खत्म हो गया तो क्या आप एक्सपर्ट ड्राइवर हो गए? नहीं। उसके लिए आपको बार बार गाड़ी चलानी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं हाथ साफ करना जरूरी है। तो रेगुलर फ्रीक्वेंटली आप गाड़ी जैसे चलाते रहते हो, ड्राइव करते रहते हो, वैसे आप ड्राइविंग में एक्सपर्ट होते जाते हो। और उसके बाद यानी कि फिर 2-3 साल के बाद आपको जब कभी ड्राइव करने की खुद को जरूरत पड़े तब आप जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठोगे आपका सबकॉन्शियस अपने आप काम करने लगेगा। आपको किसी को ये नहीं बताना पड़ेगा कि भाई स्टीयरिंग यहां है, गियर यहां है, क्लच ये है, ब्रेक ये है, एक्सेलेटर ये है। अपने आप आपके हाथ पैर आपका माइंड काम करने लगता है। सेल्फ हिप्नोसिस के जरिए हम अपनी पूरी पर्सनालिटी को बदल सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो मांस में जाने से डरते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें कुछ अलग अलग डर रहते हैं मगर वो किसी को बता नहीं सकते, शर्म आती है। अगर मुझे ऊंचाई का डर है तो आप कोई भी हाइट पे जाने की बात करोगे, हिल स्टेशन पे जाने की बात करोगे या हिल स्टेशन पे लेके गए और वहां से खाई में देखने की बात करोगे तो मैं कहूंगा नहीं, मैं गाड़ी में यहां बैठा हूं, आप लोग होके आइए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे डर लगता है, क्योंकि वो बताने में मुझे झिझक होती है। तो ऐसी जो भी परेशानियां हैं हमारी खुद की, तो सेल्फ हिप्नोसिस सीखने के बाद वी कैन करेक्ट अवर सेल्फ अवर ओन। ऐसे जो भी बेकार के डर है, भय है, बेकार की चिंताएं हैं, उसे हम अपने आप अपने से एलिमिनेट कर सकते हैं, अपने से दूर कर सकते हैं सिर्फ स्वयं सूचनाओं के जरिए ऑटो सजेशन के साथ। सेल्फ हिप्नोसिस के जरिए इससे आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? तो इसके लिए मैं बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोगों तक कहां किस तरह से उपयोग में लिया जा सकता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हुए आगे बढ़ूंगा। बच्चों के लिए जैसे मैंने पहले बताया, स्टडीज इंप्रूव करने के लिए, मेमोरी शार्प करने के लिए, रिकॉलेबिलिटी पावरफुल करने के लिए। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो हाई स्कूल, कॉलेज हो जाती है तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जॉब ढूंढनी है, कोई अच्छी जॉब ढूंढनी होती है, जॉब क्या करूं, कौन से करूं, कौन सी लाइन में जाऊं, कौन सी फील्ड में जाऊं, ये भी कई दफे बहुत डिस्टर्ब करते हैं कई स्टूडेंट्स को। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों अलग अलग व्यूज होते हैं, तो स्टूडेंट्स कुछ और कहता है, पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं और उस वजह से आपसी तनाव बढ़ जाता है। तो ऐसे मौके पे उस स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर उस स्टूडेंट्स ने सेल्फ हिप्नोसिस सीखा है तो वो खुद सोच के अपना डिसीजन अपने आप ले सकता है।
जैसे और बड़े हो गए, लाइफ पार्टनर ढूंढना है, तो लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए भी हर उन लोगों ने अपने अपने बारे में, मतलब फ्यूचर के बारे में, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ ना कुछ सोच के जरूर रखा है। तो जब वो देखते हैं कि वो जो कुछ भी उन्होंने सोच के रखा है, जब वो कहीं भी ढूंढने